चहल अपनी पत्नी को तलाक दे दिए तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आगे आपको बताते चलो, चहल और दोस्तों उनकी वाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर खबर चल रहा है ट्रेंडिंग में, क्योंकि दोस्तों एक तरफ सुरेश अय्यर के साथ उनके फोटो खिंचाने और दोस्तों लगाए थे अपने इंस्टाग्राम पर सुरेश अय्यर, और इसी के देखते कुछ फैंसों का कहना है कि चहल के पत्नी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है। लेकिन कुछ ऐसा बात नहीं है दोस्तों, चहल अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम से एक स्टोरी लगाए थे जिसमें बताया जा रहा है किसी के लिए प्यार बांटो ये न कि नफरत दोस्तों, और उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारा शादी होला लगभग चहल का 2 साल हो गया है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई अभी तक बातचीत नहीं हुआ है और खटास भी नहीं आया है, पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। और दोस्तों वहीं पर सुरेश अय्यर की बात किया जाए तो सुरेश अय्यर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं उनके पत्नी के साथ और फोटो भी खिंचाए हैं, और दोस्तों उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लगाए थे जिसमें चहल ने उनके इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिए हैं सुरेश अय्यर को। और दोस्तों सुरेश अय्यर और चहल में काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ गया है, और दोस्तों इसी के देखते हुए कुछ फैंसों का कहना है कि चहल अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं, लेकिन चहल अपनी पत्नी को नहीं तलाक दे सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही चहल के बीच कोई खबर आती है तो मैं आपको पहले बतलाऊंगा। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे चहल और उनकी पत्नी को लेकर, कमेंट बॉक्स में पारी से जरूर आप भेज सकते हैं।